नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आमतौर पर डॉक्टर्स महंगी दवाएं लिखते हैं, इससे ब्रांडेड दवा कंपनियां खूब मुनाफा कमाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप डॉक्टर की लिखी सस्ती दवाएं भी खरीद सकते हैं? आपका डॉक्टर आपको जो दवा लिख कर देता है, उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवा आपको बहुत सस्ते में मिल सकती है। महंगी दवा और उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवा की कीमत में कम से कम 5 से 10 गुना का अंतर होता है। कई बार जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में 90% तक का भी फर्क होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जेनेरिक दवाओं के बारे में, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इन दवाओं के क्या फायदे हैं और ये सस्ती क्यों होती हैं। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए तमाम तरह की रिसर्च और स्टडी के बाद एक रासायनिक सॉल्ट तैयार किया जाता है, जिसे आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए दवा के रूप दी जाती है। इस सॉल्ट को हर कंपनी अलग अलग नामों से बेचती है। कुछ कंपनी इसे महंगे दामों पर बेचती है तो वहीं कुछ सस्ते दामों पर बेचती हैं। लेकिन इस सॉल्ट का जेनेरिक नाम सॉल्ट के कंपोजिशन और बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी सॉल्ट का जेनेरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही रहता है। अधिकतर बड़े शहरों में जेनेरिक दवाओं के लिए मेडिकल स्टोर होते हैं, लेकिन इनका ठीक से प्रचार प्रसार न होने के कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। मजबूरी में ठीक जानकारी न होने के कारण गरीब भी केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। हमने एम्स दिल्ली के डॉक्टर प्रभात रंजन से जेनेरिक दवाओं के बारे में बात की। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर साहब, जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती हैं और इनका क्या फायदा होता है? जेनरिक दवा, जैसे जेनरिक जो है अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में अगर हम रूपांतरित करें तो सामान्य दवा। तो ये एक सामान्य दवा है जिसमें जो सॉल्ट होती है उसका कोई पेटेंट नहीं ले सकता। वो एक सामान्य सॉल्ट है, वो जो मरीज है, जो बीमारी है, उसके लिए उपयोग में आ सकता है। अगर कोई कंपनी उसी दवा को पेटेंट करा लेती है किसी थोड़ा सा सॉल्ट में इधर उधर कर, तो वो एक जो है कि कंपनी ब्रांडेड हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं पारासीटामोल। पारासीटामोल सामान्य नाम है और पारासीटामोल वही अगर क्रोसिन में चला जाए, क्रोसिन नाम से कर दिया जाए थोड़ा सा सॉल्ट में ऊपर नीचे करके, तो वो एक कंपनी की दवा हो गई, तो उस क्रोसिन के ब्रांड के नाम से मिलेगी वो। तो पारासीटामोल का भी वही प्रभाव है और क्रोसिन दवा का भी वही प्रभाव है। लेकिन जेनेरिक होने की वजह से इसमें जो दामों में काफ़ी जो है कि कमी रहती है और ये सामान्य जनता के लिए, गरीबों के लिए, जो भी हम आप जैसे लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, कारगर है और आने वाले समय में इसका जो है बहुत बड़ा समाज को लाभ मिलने वाला है। अच्छा सर, क्या सभी बीमारियों के लिए दवाएं उपलब्ध होती हैं, जेनेरिक दवाई जो होती है? मुख्यतः मेरे ख्याल से जो दवा इंडिया का ये जो पहल है, इसमें अभी तक मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि मैक्सिमम दवाओं का जो है कि इसमें उन्होंने जो सॉल्ट है उसको लिया। जैसे कि सर, दुकानदार के ओनर ने बताया कि कैंसर, जैसे पूछ रहे हैं सभी बीमारी के लिए सॉल्ट नेम को तो आपने, नमक है भाई, तो नमक है जी, तो नमक तो आप हर बीमारी के लिए निकला हुआ है ना। लेकिन उसी को अगर टाटा के नाम से कर दिया तो टाटा नमक बेच रहा है। तो सॉल्ट सेम है, सॉल्ट हर बीमारी के लिए है और हर चीज़ में जो है कि हर दवा इंडिया जो है, हर जितने भी बीमारी हैं सबका सॉल्ट उनके पास है, तो दवाई उसको वितरित करेंगे जी। तो आपने सुना जेनेरिक दवाओं को लेकर डॉक्टर प्रभात रंजन का क्या कहना है। अब सवाल यह है कि आखिर जेनेरिक दवाएँ सस्ती क्यों होती हैं? दरअसल पेटेंट ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियां खुद तय करती हैं, जबकि जेनेरिक दवाओं की कीमत को निर्धारित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप होता है। जेनेरिक दवाओं की मनमानी कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डॉक्टर्स अगर मरीजों को जेनेरिक दवाएं प्रिस्क्राइब करें तो विकसित देशों में स्वास्थ्य खर्च 70% और विकासशील देशों में और भी कम हो सकता है। जेनेरिक दवाएँ सीधे खरीदार तक पहुँचती है, इन दवाओं की पब्लिसिटी के लिए कुछ खर्चा नहीं किया जाता, इसलिए ये सस्ती होती हैं। सरकार इन दवाओं की कीमत खुद तय करती है। जेनेरिक दवाओं का असर डोज और इफेक्ट्स ब्रांडेड दवाओं की तरह ही होती है। जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होती है। इसके इस्तेमाल से आप हर माह अच्छी खासी कीमत बचा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर इस संबंध में आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप अपनी बात हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।